हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी बिल्कुल स्टार्टिंग से करना चाहते हैं और आप एक हाउसवाइफ हैं, आपके पास बेबी है, या आप ऐसे भी हैं स्टूडेंट हैं और आप स्टार्ट करना चाहते हैं प्रिपरेशन को और कुछ भी आपको आइडिया नहीं है कि कैसे करना है क्या करना है, तो मैं इस वीडियो में आपको गाइड करने वाली हूँ। जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके अनुसार आपको मैं गाइड करूँगी और जो जो बुक्स मैं फॉलो करती हूँ, जो मैं रिसोर्सेज फॉलो करती हूँ और जो जो मैं टिप्स फॉलो करती हूँ वो मैं आपके तक दूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है यूपीएससी, ये एक एग्ज़ाम है। इसको क्वालिफाई करने के बाद IAS, IPS, IFS ये सब आपको मिलता है, आपका एरिया होता है, आप ये पोस्ट होता है आपका, ये एग्ज़ाम है, ठीक है, यूपीएससी का एग्ज़ाम है आपका। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको किसी भी एग्ज़ाम को जानना है तो सबसे पहले उसके बारे में आप जानिए कि ये एग्ज़ाम है क्या, आपको डिटेल में पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि उसका सिलेबस क्या है, सिलेबस पैटर्न क्या है उसका, ये आपको जानना चाहिए कि आप उसका सिलेबस पैटर्न क्या है, क्या डिमांड करता है। तो हम सिलेबस पर आते हैं, तो सिलेबस में क्या है, PT है, मेंस है, ठीक है। PT आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव है, और मेंस क्या है, सब्जेक्टिव है। इसमें आपको टिक लगाना है और इसमें आपको रिटर्न करना है, ठीक है, आपका रिटर्न एग्ज़ाम इसमें होता है मेंस में। और दोनों का सिलेबस जो है बहुत हद तक सेम है, बहुत हद तक सेम है, मतलब अगर आप सोचिएगा कि आप PT करिएगा, मेंस कीजिएगा, PT पहले कीजिएगा उसके बाद मेंस कीजिएगा, तो ये नहीं है, आप कंबाइंड प्रिपरेशन करना होता है, ठीक है। आपको क्या करना है कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं प्रिपरेशन को, ठीक है, अच्छे से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आप एक ईयर को आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितने ईयर में आपको एग्ज़ाम देना है, कितने साल तक तैयारी करना है। लेकिन एक जो होता है, एक अच्छे से आपको अगर तैयारी करना है तो आपको 2 साल लगते हैं तैयारी करने में। अगर कोई बोलता है कि वो 6 महीने पढ़ के क्वालिफाई कर गया तो ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता, उसका पहले से तैयारी होगा, भले ही उसका GS पोर्शन स्ट्रांग होगा लेकिन पहले से होता है। इसमें आपको 2 ईयर्स आपको मैक्सिमम लग जाते हैं, ठीक है। अब आपका डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड कौन सा है, आप आर्ट से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, कौन से हैं, वो आपका बैकग्राउंड मायने करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थर्ड पॉइंट आपका क्या है कि आपको सिलेबस के बारे में जानना है। तो सिलेबस में क्या है कि आपको दृष्टि से आपको जाना है, वेबसाइट पे आपको सिलेबस डाउनलोड कर लेना है, डिटेल में सिलेबस आपको डाउनलोड कर लेना है। ये वीडियो देखने के बाद आप अगर आपसे होता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको बता दूँगी कहाँ आपको डिटेल सब्जेक्ट सिलेबस मिलेगा, वो भी टॉपिक वाइज आपको क्या क्या पढ़ना है वो सब उसमें मेंशन है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, बुक्स पे आना है, ठीक है। अब बुक्स में क्या है, NCERT आता है और एक आता है स्टैंडर्ड बुक आता है, ठीक है। तो अब NCERT बुक के बारे में अगर मैं कहूँ कि आपको, अगर आपको लगेगा कि मुझे कहाँ से पढ़ना चाहिए, बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आप ओल्ड या न्यू कुछ भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका बैकग्राउंड ह्यूमैनिटी से नहीं है तो आपको अच्छे से 6th क्लास और 10 से लेकर 12 तक आपको पढ़ना होगा NCERT, वो भी कौन कौन से सब्जेक्ट का, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इतना ही सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना होगा NCERT में, ठीक है, 6th क्लास 7th क्लास और 9th 10th 12, ठीक है। अगर आपका बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज़ का है तो आपको सिर्फ 11th और 12th पढ़ना है NCERT, ये सब सब्जेक्ट का, ठीक है। ये मैंने फॉलो किया है और मैं आपको बता रही हूँ, आप करके देख लीजिएगा, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। आपको अगर लिमिटेड टाइम में एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी चाहिए तो ये बहुत आपको हेल्प करे। अब आते हैं स्टैंडर्ड बुक पर, ठीक है, बुक्स जो आपको UPSC के लिए जो इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, जैसे उसमें से आ गया आपको पॉलिटिकल लेना होगा, सब सब्जेक्ट आपको लेना ही होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। लेकिन आपको जो है पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट है लेना, हिस्ट्री ज्योग्राफी आपका खास करके ज्योग्राफी जो है वो NCERT से ही कवर हो जाएगा, ठीक है, और इकोनॉमिक्स भी आपका जो है वो NCERT से कवर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट है,
करंट अफेयर, ये तो आपका हो गया पोर्शन। अब मैं आपको यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि आपको प्रिपरेशन करनी कैसे है, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बताऊँगी बुक लिस्ट क्या क्या आपके पास होने चाहिए। इसमें बहुत वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। अब आते हैं करंट अफेयर की आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। करंट अफेयर तो कितने साल का पढ़ना है, 1.5 साल का आपके पास करंट अफेयर होना चाहिए। आप जो भी तैयारी करना चाहते हैं उसके पीछे से आपको वहाँ तक आपको करना होगा। तो करंट अफेयर के लिए आपको क्या सोर्स होने चाहिए, विजन, ठीक है, मंथली या ईयरली, उसके बाद हिंदू, उसके बाद आपके पास क्या है कि दृष्टि का आता है डेली का करंट अफेयर, आप उसको विजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी एक को फॉलो करना है आपको और अच्छे से तैयारी कर लेना है जिसमें सब कुछ मेंशन हो, तो विजन इज़ अ बेस्ट वे, ठीक है। आपका क्या है, विजन क्या कराता है कि आपका जीएस पोर्शन भी स्ट्रांग कर देता है। सो सब कुछ आपको इंक्लूड रहता है कि आपको पढ़ना कैसे है, किसमें कौन सा आपको ऐड करके पढ़ना होगा। तो ये आपका हो गया एक तैयारी, क्या क्या हो गया, आपका सिलेबस के बारे में जान लिया हम लोगों ने, करंट अफेयर के बारे में जान लिया। अब आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है, मैं आपको यहाँ ये बताती हूँ। ठीक है, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या मदर हैं तो आपको क्या करना है, एक बुक दो बुक को 1 मंथ में आपको लेके चलना है। जब मैं आपको बुक लिस्ट बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में तो मैं आपको उसमें बता दूंगी कैसे कैसे आपको करना है। यहाँ पे दो बुक को आपको 1 मंथ में लेके चलना है, उसी तरह से दो बुक करते 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 आपको लेकर चलना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, प्लस में करंट अफेयर आपका जो विजन का है वो आपका साथ में चलेगा। तो इस तरह से आपकी तैयारी होगी, ठीक है। और आपका जो संडे और सैटरडे आएगा उसमें आपका रिवीजन चलेगा, ठीक है। जो भी आपने पढ़ा होगा संडे सैटरडे, वो जो वीकली आएगा, वीकली जो भी आएगा वो उसमें आपको रिवीजन चलेगा। मान लीजिए कि आपने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये आपका हो गया वीक, ठीक है। इसमें आपने पढ़ा टू चैप्टर वन चैप्टर। आपने जो भी पढ़ा है चैप्टर्स दोनों बुक्स का, आपको इसमें आपको रिवीजन लगाना है। आपको सैटरडे और संडे को आपको एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करना है, बस आपको सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन पर ही ध्यान देना है, कोशिश करना है कि जितना आपने पूरी वीक पढ़ा है उसको आपको इसमें कंप्लीट कर जाना है, ठीक है। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। इस तरह से आपका तैयारी बहुत अच्छे से चलेगा और बिना स्ट्रेस के आप पढ़ पाइएगा। अब आपको जो ध्यान देने वाली बात है उस वो कौन कौन सी है वो मैं आपको आज बताती हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों ने देख लिया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, सिलेबस, सेकेंड है करंट अफेयर, थर्ड है रिविजन, ठीक है। ये आपका टारगेट है, लेकिन आपको उसके साथ साथ क्या ध्यान देना है, पहला स्ट्रेस नहीं लेना है, सेकेंड आपको क्या करना है कि हेल्दी लाइफस्टाइल आपको जीना है, कि आप अच्छे से पानी पीजिएगा, अच्छे से खाइएगा, माइंड फ्रेश रखिएगा, तभी आपका ये सब फॉलो हो सकेगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। थर्ड में क्या है, आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है, नेगेटिव आपको नहीं होना, नेगेटिविटी से दूर रहना है। आप अगर नहीं पढ़ पाइएगा तो इसमें अपने आप को ब्लेम नहीं करना है, आपको स्टॉप नहीं करना है। मेरे साथ भी होता है कि मैं कभी कभी पढ़ पाती हूँ, कभी कभी नहीं पढ़ पाती हूँ, तो मैं स्ट्रेस नहीं होती हूँ क्योंकि मैंने खुद को अपना टाइम दिया है 2 साल का, ठीक है। मैंने खुद को 2 साल का टाइम दिया है, इसमें मुझे तैयारी करना है, ठीक है। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे थोड़ा बहुत पहले का है, लेकिन वो मायने नहीं रखता है, ठीक है। अगर जब से आप पढ़ते हैं बस वही टाइम आपका आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और मैं एक वीडियो बनाऊंगी ब्लॉग के थ्रू रहेगा कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे पढ़ती हूँ, ये सब आपको बताऊंगी बेबी को हैंडल करते हुए। तो और मेरा क्या स्ट्रगल रहता है, ये सब ब्लॉग आएगा धीरे धीरे। लेकिन पहले अच्छे से फैमिली हम लोगों का हो जाए, यूट्यूब फैमिली, उसके बाद ही मैं ये सब ब्लॉग ज़्यादातर अपलोड करना पसंद करूँगी ताकि ज़्यादा लोग देखेंगे और मोटिवेट फील करेंगे। तो आज का वीडियो यही था कि आपको तैयारी करना कैसे है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलूंगी एक नए ब्लॉग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, पढ़िए और खुश रहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगी बुक लिस्ट पर। थैंक यू।